गाइस तो कोरबा के बेलपुर मैच मिलेगा मेरे चैनल पर। सर सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का प्रेस करें ताकि पूरा मैच मिलेगा आप लोगों को। जोड़ी दूसरे छोर पे स्टार्ट वाला मैच की जोड़ी देखना टीम में एक बड़ा खिलाड़ी मैच मिलेगा आप लोगों को। पहला रेट टॉस जीत कर आमंत्रित किया मनीष को 7 नंबर जर्सी में। मनीष सफलतम रेडम में एक सुमार माने जाते हैं जिन्होंने अभी ब्लॉक कबड्डी प्रीमियर लीग पाली में हुआ उसके ही आते आते पहला रेड वन ओपनिंग रेड में खाता खोलता हुआ और एक नहीं दो सुनिश्चित किया गया और भी संजय कार्तिक और राजेश मरावी को बाहर किया गया और मुकेश उनके बड़े भाई के 7 नंबर जर्सी में। सात खिलाड़ी का हाउसफुल मैदान देखना होगा। आनंद हीरो पाली शुरुआती लम्हा में ही खाता खोल चुकी है। एक छोर पे मनीष उनके छोटे भाई रेड की जिम्मा संभाले हुए तो गढ़वाला टाइगर जी और दूसरे छोर पे उनके बड़े भाई मुकेश दोनों हरफन वाला रेडर माने जाते हैं। मनीष की जादू चलना शुरू बात हो चुकी है। पहला रेड में ही खिलाड़ियों को तबाही मचाने का काम लेकिन मुकेश भी है उमदा कटकाठी के खेलर लेकिन रेड 10 नंबर जर्सी कामेश को। कामेश हालांकि बाजी मन क्लब को सेवा देते हैं गुल्लू मुड़ा को लेकिन इस बार गलती हुई कवर के खिलाड़ी जब आप अनमाने ढंग से आकर उनको टेकल करेंगे लंबे गति वो भी कामेश जैसे सफल रेडर माने जाते हैं तो उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर चले 10 नंबर जर्सी में आनंद हीरो पाली की जवाब रेडर उभरते खिलाड़ी कमलकांत देखना होगा। सात खिलाड़ी का हाउसफुल मैदान राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर को छक्काने का प्रयास तो हर के खिलाड़ी के पीछे धकेला लेकिन बिना और कोई रिक्शा लेना नहीं चाहे सुरक्षित अपने पाले घर में। फिर चले गैस दमदार रेडर इन्होंने भी ब्लॉक के पीएल में अपनी उपयोगिता साबित और हमेशा चाहे ग्रामीण अंचल की खेल हो उसमें अपनी खेल का लोहा मनवाते हैं। एक छोर पे मुकेश एक छोर पे मनीष दोनों भाई की लड़ाई यहाँ लेकिन एक वर्चस्व की लड़ाई है वहां पर शूट करने का प्रयास वो भी अपने भाई को। मनीष दुआ डाई में प्यार ओहो दोनों कॉर्नर को तोड़ते हुए वो भी ओम प्रकाश हालांकि ओम प्रकाश कवर के स्टार खिलाड़ी माने जाते हैं डिफेंडर कामेश आए। कामेश का पहला रेड सफल रेड रहा इस बार निखिल जैसे अनुभवी लेवर उनके मोमेंट को भापा कि ये बाहर जाना चाहता है मैं था ही लगा और वहीं पे कामेश हालांकि लॉन्ग जंप करने का प्रयास किया था लेकिन पैरों में उनकी चुंबक की तरफ पकड़ चले महेंद्र पाल चंद्र पाल की तरफ सेवा देते हैं लेकिन आज आनंद हीरो ने नहीं खरीदा है लंबे गज के ये भी हर फन वाला मैच विनर खिलाड़ी माने जाते हैं। 2 नंबर जर्सी में 4 खिलाड़ी बीच में दो दो की जुगलबंदी क्या दो दो की चयन बंदी को तोड़ पाएंगे लेकिन बिना लेकर वापस 4-1 की स्थिति बनी हुई है आनंद हीरो पाली की आसमान सितारे पे और गुणवाना टाइगर जेवरा को कुछ रणनीति में अपनी खेल में बदलाव करना होगा। इस बार मुकेश एक नहीं दो लेने का प्रयास किया देखना होगा अभी भी मेरे छोर से कमेंट्री छोर से धीरेन्द्र पोर्ते जी की पैनी निगाहें और दूर छोर से संतोष यादव की। फिर चले मनीष 7 नंबर जर्सी में फिर रनिंग पिच में कार्तिक का जादू नहीं चलना थोड़ा सा शुरुआती लम्हा में हालांकि अभी शुरुआती है फिर भी बढ़त बना चुकी है। कार्तिक भी स्टार कॉर्नर खिलाड़ी माने जाते हैं कोरबा के। एक छोर पे किशन 2 नंबर जर्सी में पटेली पारा क्लब को सुहा देते हैं हर फटमाला डिफेंसर माने जाते हैं लेकिन क्या उनकी रणनीति है हम 2 अढ़ाई में खिलाना चाहेंगे। अरे 2 अढ़ाई की खतरे की घंटी 30 सेकंड के दायरे में चक्कर कर रहा होगा और कार्तिक ने उनके मोमेंट को भागा और ये लड़ाई चलती हुई आगे कुआ पीछे खाई लेकिन कमलकांत भाई कुछ नहीं कर पाया और सुपर टेकल और एक नहीं दो और आहिस्ता आहिस्ता अपने अंक तालिका को बढ़ाते हुए राजेश सिद्धारी क्लब से लेकिन उन्होंने आज गोड़ाना टाइगर जेवरा ने खरीदा है और कबाब देखना होगा दो अंक से बहुत
शक्ति नजर आ रही है और तमाम कबड्डी के दीवाने चाहते हो लुत्फ उठाने सभी कबड्डी प्रेमियों का पुनः एक बार सादर अभिनंदन और स्वागत मंच में विराजमान सभी अतिथियों को और का कबड्डी प्रीमियर लीग 2024 सरजमी बक्साही समय निकाल कर उनके लिए हम सादर इस्तेमाल वंदन अभिनंदन स्टार रेडर मनीष सात नंबर जैसे में छूने का प्रयास लेकिन दो दो की जुगलबंदी पॉइंट गेट खिलाड़ी हैं कुछ बदलाव करना चाहेंगे लगातार रेड का जिम्मा राजेश को और ये थर्ड रेड इनसाइडेड रेड करो मारो की स्थिति आगे कुआ पीछे खाई क्या करेंगे राजेश भाई समझ नहीं पाए जाल भुना गया था और जाकर वहीं पे समर्पण किया गया और एक अंक खमियाजा भुगतना पड़ा 5-6-3 की स्थिति बनी हुई है महेंद्र पाल दबंग में दो नंबर व्यक्ति में इस बार महेंद्र भी फंसे कार्तिक का थोड़ी थोड़ी जादू चलना शुरू हुआ क्योंकि एक टेकल अगर सुरक्षित हो जाती है तो डिफेंडर का भी जलवा और आसमान उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और कार्तिक ने वो कारनामा हालांकि शुरुआती लम्हा में थोड़ी सी गलती कर बैठे थे फिर चले किसान किसान भी उमदा खिलाड़ी माने जाते हैं कटेली पारा क्लब को लेकिन आज जेवरा क्लब को सिवाय देते हुए और 6-5 की स्थिति बनी हुई है हालांकि एक अंक बढ़त बनाई हुई है क्या एक अंक की गड्ढे की खाई को पाटने का प्रयास करेंगे सितर पर प्रयास करेंगे वो भी टेकल के जरिए धीरे धीरे ना सही आहिस्ता क्योंकि मजबूत डिफेंडर है उनके ओम प्रकाश हर के मजबूत खिलाड़ी उभरते खोज कोरबा की हर एक छोर पर कॉर्नर के उभरते खिलाड़ी आज बार गलती हुई ओम प्रकाश एक समय ऐसा लग रहा था कि ओम प्रकाश की जब पकड़ बनती है तो चुंबक और फेविकोल फिर चले 6 नंबर जैसे में शिव शंकर भी अच्छे रेडर माने जाते हैं शिवपुर क्लब को सेवाएं देते हैं लेकिन आज गुड़वाना जेवरा ने इसे बाहर कर करने का प्रयास किया हार्ट संतुलित टीम नजर आ रही है हालांकि टीम आल इन आउट के करीब कबड्डी टीम में भी 2024 में पहुंचे आदरणीय देवेंद्र कुमार छत्तीसगढ़ पुलिस खुर्रुपारा साथ ही बेदराम टेकाम जी नवापारा का भी आगमन हुआ है मंचस्थ होंगे आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत मंचस्थ होंगे 12-6 की स्थिति बनी हुई है आनंद हीरो पाली 6 अंक से बढ़त रहे हुई है एक छोर पे उनके छोटे भाई मनीष आनंद हीरो पाली में सेवा देते तो दूसरे छोर पे उनके बड़े भाई मुकेश दोनों एक अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं और लगातार हमारे जिला सचिव आदरणीय अनिल भैया की पहली निगाहें देख रहे हैं कि कौन खिलाड़ी कैसे खेल रहे हैं बारीकी से उनका फिर चले मुकेश 7 नंबर छूने का प्रयास 6 खिलाड़ी के बीच में बोल आसान है मुकेश को हर हाल में जादू चलना ही चलना होगा मुकेश को आप अकेले टेकल करोगे और भी तो हर के खिलाड़ी आ गए तो मुकेश जैसे रेडर उनकी फिर चले मनीष 7 नंबर जैसे में ठीक चले मुकेश 7 नंबर जैसे में 5 खिलाड़ी के बीच में बोनस साफ है 12-7 की स्थिति बनी हुई है अभी भी 6 मिनट 18 सेकंड तक खेलाना शेष है मुकेश को हर हाल में चलना होगा निखिल जैसे अनुभवी कॉर्नर कोरबा क्लब गलती करेंगे आगे निकल कर पिच का खमियाजा भुगतना पड़ेगा हालांकि 12-8 की स्थिति बनी हुई और ये डू ऑर डाई करें महेंद्र के लिए लेकिन कभी कभी डिफेंस गलती कर बैठते हैं लेकिन इस बार काम है इसने उनकी मूवमेंट को भापा और बाकी काम उनके कवर के खिलाड़ी ने सपोर्ट किया और बाहर किया गया 12 रनों की स्थिति बनी हुई है अभी भी 3 अंक से पिछड़ती नजर आई उनके पास एक मौका है अगर मुकेश मनीष
को प्रहार करते हैं और अंग लेकर जाते हैं, तो निश्चित तौर पे टीम बढ़त बना सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगा कि अनमने ढंग से आप दोस्ताना टेकल करेंगे तो उसका खामियाजा, क्योंकि उनकी गति है कि मैं सेंटर लाइन के और दौड़ू फिर चले पाए, मैंने इसके ऊपर सारा दौड़ लिया। सात खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान, और इस बार ओम प्रकाश को सपोर्ट नहीं मिलना, एक मौका था उस मौके को भुनाने का प्रयास करना था, वो भी एक नहीं तीन पॉइंट गलती, उनको मनीष को जाने देना था। जेबीडी पोटा पानी फिर चले मुकेश, एक छोर पे मुकेश तो दूसरे छोर पे मनीष, दोनों भाई वर्चस्व की लड़ाई, दोनों जीतने नहीं देंगे एक दूसरे को, क्योंकि मुकेश भी दमदार खिलाड़ी माने जाते हैं और मनीष भी। इस बार दोनों थाई और जाने का मौका नहीं दिया निखिल ने, मनीष आए हैं तीन खिलाड़ी के बीच में, सुपर टैकल आना है, सुपर टैकल का फायदा निश्चित तौर पर उठाना चाहेंगे, देखना होगा। कार्तिक जैसे और कामेश हैं तो थोड़ी सी बात तो एक समय ऐसी लग रहा था कि डिफेंडर सेल्फ आउट आउट ऑफ बाउंड हो चुके हैं, लेकिन जाते जाते पीछे आउट से बचे। कामेश के ऊपर सारा दरमदार, कामेश अगर अंग ले जाते हैं तो बात बन सकती है 3:29 का खेल आना से। फिर चले कमल खान, नवोदित खिलाड़ी को, क्योंकि नए खिलाड़ी की जो मूवमेंट है उनको डिफेंडर समझ नहीं पाते हैं और आग लेकर जाते हैं, इसलिए अजमाया क्यों अजमाएंगे, क्योंकि उनकी टीम बढ़त बनाई है। मनीष को थोड़ा सा आराम दिया जा रहा है, क्योंकि वो लगातार रेड करेंगे तो थक जाएंगे यार, और अभी सेकंड हाफ का खेल शेष है, बढ़त बनाई हुई है छाया से, काम है इसको तो स्ट्रगल करना होगा, रणनीति किया जा रहा है, शायद थर्ड रेड खिलाना चाहेंगे। और इशारा होता हुआ हर भाई एम्पायर थे इम्पोर्टेंट संतोष यादव, आपकी बक्सा ही की सरजमी और बक्सा ही की इस बार गलती हुई, स्थिति बनी हुई है, और इस चोर से भी थर्ड रेड ये भोंकू की आवाज कभी कभी, और लगातार ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए महेंद्र, एक रेड में भी अंक लेना और डिफेंस में भी जलवा बिखेरना, और यही जीत का मूल मंत्र बनता है कि गगड़ सरजमी बक्सा ही में। कोरबा के पीएल 2024 मनीष को आक्रामकता दिखाना होगा, लेकिन थोड़ी सी संयम से गुड टेक्निक का प्रयोग करते हुए, सात नंबर जैसे नहीं, क्या शानदार जानदार मुकाबला चलता हुआ आज सेकंड दिवस का द्वितीय मुकाबला। इन बिना प्लेयर सुरक्षित अपने पाले में, फिर चले मनीष, सात नंबर जैसे नहीं, शाम माहौल में बाइक चलता हुआ थोड़ी सी गर्म होना बाकी है, लोहा बोनस अटेम्प करने का प्रयास, फिर चले मुकेश, लगातार प्रहार के ऊपर प्रहार, एक छोर से मनीष तो एक छोर से मुकेश, दोनों भाई हैं खुद पर आपको सेवाएं देते हैं, और अपने टीम को मैच जिताने में दोनों भाइयों की अहम भूमिका रहती है, अच्छा कोई भी टीम हो कोई भी मैच हो इनकी भी खास भूमिका होती है, परिचय की मोहताज नहीं दोनों। फिर चले मनीष,
21 10 की स्थिति बनी हुई है, 11 अंक से पिछड़ती हुई है। कामेश थोड़ी सी गलती की है, 22 10 की स्थिति बनी हुई है। फिर चले राजेश लंबे गेंद के खिलाड़ी, उभरते खिलाड़ी छूने का प्रयास, और कहर के खिलाड़ी आर्यन शिकार हुए। 22 11 की स्थिति बन चुकी है। हालांकि पहला हाफ का खेल कुछ महत्वचंद से कड़वा खेलाना से मनीष पहला हाफ का खेल समापन करना चाहेंगे। 22 11 की स्थिति बनी हुई है। सेकंड हाफ का खेल शुभारंभ होता हुआ, हर हाल में गोडवाना टाइगर केवरा को कुछ करना ही करना होगा। मुकेश है प्रहार के ऊपर, देखना होगा क्या मुकेश कुछ करिश्माई रेड दिखा पाते हैं। एक अंक से बात निकलती है, सुपर रेड करना होगा हर हाल में। और एक छोर पे मनीष का भी जादू चल रहा, एक तरह से कहा जाए आनंद हीरोपाली के लिए एक शुभ संकेत माना जाएगा। और लाइव कमेंट्री के लिए मेरे साथी कमेंटर संतोष टिका में धीरेन्द्र मूर्ति जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जुड़ना चाहेंगे। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद जगत जी। और एक खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ गोंडवाना टाइगर जेवरा विरुद्ध हीरो आनंद हीरो जंसी पाली, और जिस तरीके से 11 अंकों के लीड पर चल रही है आनंद हीरो एजेंसी, वो कहीं ना कहीं जो कि गोंडवाना टाइगर की जो डिफेंस है वो काफ़ी गलती कर गई, उसके भरपाई करना होगा। और किस तरीके से भरपाई करती है ये देखना होगा। पूरा तो पॉइंट जरूर अर्जित किया है कामेश ने, और महेंद्र एक छोर से रेड का जिम्मा संभाले हुए हैं। चेस्ट नंबर 2 महेंद्र पूरा बेहतरीन खूबसूरत हरफन वाला रेडर, और जिस तरीके से उनका फुटवर्क है तेजी से कॉर्नर के खिलाड़ी को कवर के खिलाड़ी को पीछे धकेला, और यहाँ पे खूबसूरत दो टक करने का प्रयास, लेकिन अब तक क्या सफर रहे और बिना अंक के वापस। तो क्यों नहीं, उनकी टीम है वो 10 अंकों को लीड पर चल रही है, लेकिन यहाँ पे गोंडवाना टाइगर के कप्तान थर्ड रेड पे खिलाना चाह रहे हैं कमल कांत नवोदित खिलाड़ी है, और जिस तरीके से वो इस सीजन में टूर्नामेंट खेले वो बेहतरीन तरीके से खेले थे, उनकी बदौलत इनको एक तोहफा मिला था, लेकिन उस तोहफा को भुना नहीं पा रहा है कमल कांत को भुनाना होगा। वो अंतिम सेवन में जगह बनाए हैं, जिस तरीके से खेल रहे हैं बिल्कुल उनके कप्तान को अभी भी उनके ऊपर भरोसा है, और क्यों नहीं इस सीजन पर बेहतरीन मैच खेला है। इधर एक तरफ से कप्तान मुकेश ओके जिस तरीके से टीम को चला रहे हैं बेहतरीन तरीके से, लेकिन उनकी जो टीम है उनका डिफेंस है वो थोड़ी सी बिखरी जरूर हुई है। जिस तरीके से उनका डिफेंस हिल रहा है वो एक समस्या का विषय है गोंडवाना टाइगर के लिए। लगातार मनीष को अंक देना, जो मनीष समझ रहे हैं एक हाई वेट के खिलाड़ी है, और उसको इस तरीके से रोकना काफ़ी मुश्किल होगा। और काफ़ी वेट वांस टिकट के लिए गए थे मनीष, लगातार एक अपनी अच्छी सफलता के साथ में डाल रहे हैं, और बेहतरीन खूबसूरत तरीके से। और वो गलती पहले हाफ में कार्तिक और ओम प्रकाश ने की, ओम को भूलना होगा। एक गलती फिर से यहाँ पे ओम प्रकाश कवर से आते हैं, और इस तरीके से टिकल करना उनके लिए आसान नहीं रहेगा मनीष विकेट को। फिर से एक और इजाफा हुआ है गोंडवाना टाइगर 23 रन 2.5 का रेट, और खूबसूरत यहाँ पे टेकल निखिल चौहान के द्वारा। निखिल चौहान जिस तरीके से डिफेंस के लिए पूरे कोरबा जिला में माने जाते हैं, बेहतरीन डिफेंडर माने जाते हैं, फिर से माने जाते हैं नहीं बिल्कुल बेहतरीन डिफेंडर भी हैं। और मनीष 7 नंबर की जर्सी में लगातार रेड का जिम्मा संभाले हुए, उनकी बदौलत उनकी टीम गोंडवाना टाइगर के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव बनाया हुआ है। उनके डिफेंस है वो इनको रोक पाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल से लग रहा है। जिस तरीके से गोंडवाना टाइगर के डिफेंस की बात हो रही थी कि उनका डिफेंडरों में बेहतरीन उत्साह है और बेहतरीन डिफेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उस तरीके से इस मैच में काम नहीं कर पाए। पिछला मैच भी उनका देखा है, उनके डिफेंस में काफ़ी गलती रखी, और यहाँ पे एक खूबसूरत टेकल हो चुका है यहाँ पे उनके कप्तान का। लगातार एक अच्छी लीड पर चली गई है आनंद हीरो एजेंसी मनीष 7 नंबर की जैसे 4 के डिफेंस में रेड डालते हुए, 4 के डिफेंस में, और अभी भी 11 मिनट का खेल आना बाकी है, अभी भी काफ़ी समय का खेल है। और जिस तरीके से यहाँ पे
आनंद हीरो एजेंसी की टीम खेल रही है, वो दूसरी जीत की ओर बढ़ रही है। अपना पहला मुकाबला जीत चुका है और केजीएफ जाली ने भी अपना दूसरा मुकाबला जीत लिया है। अगर ये जीत लेते हैं तो पॉइंट टेबल में पहले या दूसरे स्थान पर होगा, उनको देखना होगा। महेंद्रपुरा चार के डिफेंस में डालते हैं, बोनस आप है और हर हाल में यहाँ पे अंग बनाना होगा। डुअर डाई का रेड है, किशन है एक तरफ, एक तरफ कार्तिक और किशन की क्या खूबसूरत टेकल और बेहतरीन तरीके से टेकल कर लिया गया है। इनकी बदौलत विकेट 14 अंकों पर चली गई है, 25 के मुकाबले 14 अंकों पर काफी अंकों के लीड है आनंद हीरो के पास। लेकिन यहाँ पर मल्टी पॉइंट रेड चाहिए, मल्टी पॉइंट अंक चाहिए रेड की बदौलत। गुनवाना टाइगर राजेश और लगातार रेडर है वो फंस रहे हैं, यहाँ पे जरूरत है अंकों की लेकिन अंग दे रहे हैं। फिर से मनीष 26 अंकों पर चल रही है गुनवाना टाइगर, 26 अंकों पर चल रही है आनंद हीरो पाली और 14 अंकों पर गुनवाना टाइगर जेवर। और गुंडवाना टाइगर जो कि बिलासपुर जिले की से आती है जेवरा, बिलासपुर जिले की दो टीमें यहाँ शिरकत कर रही है, केजीएफ जाली और जेवरा गुंडवाना टाइगर। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश जिस तरीके से रेड करते हैं, पाली लीग में उनको देखने को मिला था, खूबसूरत रेड भी डाले थे और डिफेंस भी किए थे, लेकिन इस मरतबा वो फंसे और एक अंकों का फिर से नुकसान हो चला है गुनवाना टाइगर जेवरा को। आनंद हीरो के लीडर मनीष सुपर टेकल ऑन है, लेकिन डिफेंस जिस तरीके से खेल रही है मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे सुपर टेकल कर पाएगी। सुपर टेकर कम जरूर मिलेगा, सुपर टेकर 2 पॉइंट फिर से मुकेश गुंडवाना टाइगर जेवरा की कप्तान 6 के डिफेंस में रेड डालती है, दोनों शान है और यहाँ पे अच्छी खासी रेड की जरूरत है, मल्टी पॉइंट की जरूरत है, लेकिन आनंद हीरो एजेंसी कतई करने नहीं देगी। वो समझ रही है कि इस मुकाबले में अच्छी स्थिति में है, 29 अंकों पर है आनंद हीरो पाली और 16 अंकों पर हेलो। और अभी जो मैच गुनवाना टाइगर जेवरा और आनंद हीरो एजेंसी पाली के बीच, जिसमें स्टार रेडर मनीष उइके का जलवा चलता हुआ 2+2 4 पॉइंट मिलता हुआ 16-33 की स्थिति, उनके बड़े भैया मुकेश को कुछ करना होगा अगर इस मैच में वापसी करना है तो। महज 6:45 का मैच आना शेष, दोनों टीम जबरदस्त अपना खेल दिखाते हुए और यहाँ पर हाई टेकल के लिए और सफलता
जिनके कैप्टन है निखिल, काफी अनुभव के पीछे अपने टीम को कैसे चलाना है उनको अच्छी तरीका से मालूम है। और उसी प्रकार मुकेश जो कि जेवरा के कैप्टन है, उनको कुछ करना होगा क्योंकि यह मुकाबला दोनों ही भाइयों के बीच चलता हुआ फिलहाल तो छोटे भाई मनीष उनसे आगे चल रहे हैं। देखना होगा अब किस प्रकार वापसी कर पाता है जेवरा। और जय चार नंबर के दर्शन पर देखना होगा सात खिलाड़ियों का फुल हाउस। यहाँ पर महेंद्र द्वारा खराब फील्डिंग, अंक गवां बैठे, गुच्छों में अंक बटवारा होगा अगर इस मैच में वापसी करना है तो जेवरा फाइटर को। सेकंड कॉल कोरबा किंग्स वर्सेस जेबीडी पोटापानी, तैयार रहेंगे। अभी का मैच आनंद हीरोपाली वर्सेस गुरुवार टाइगर के बीच, जिसमें हल्दी बाजार से बिलोंग करते हैं वे रेड के लिए देखना होगा अपना किस प्रकार से ये प्रदर्शन दिखा पाते हैं, क्या अपनी टीम को जो कम स्कोर रहता है सात अंक उस तरफ ला पाते हैं। और यहाँ पर निखिल का शिकार करते हुए अपना अनुभव झोंकते हुए देखना होगा अब किस प्रकार प्रदर्शन रहता है जेवरा गुलवान टाइगर जेवरा का। कमल कर आना जी रोपाली की ओर से सपोर्टर रेडर है मनीष का, काफी उम्मीद है। और यहाँ पर जबरदस्त टेकल मुकेश को पहले इसी प्रकार से खेलते हुए देखते आ रहे हैं आप सभी, लेकिन वो मेन रेडर चुन कर आए हैं जेवरा गोलोना टाइगर जेवरा में, लेकिन फिलहाल काफी अंकों से पिछड़ रही है गोलोना टाइगर जेवरा। फिर से जा रहे हैं पर दोनों खाई टेकल किया जा रहा है पर डबल अटेम्प्ट देखना होगा इनाटो का क्या इशारा था, काफी ऊंचे लंबे करते प्लेयर नीचे है। यहाँ पर गिनती किया जा रहा है फेर प्लस सिक्स टू पॉइंट छह एक सुपर डुपर एक, इसी प्रकार का एक भूत समय होता है कबड्डी का खेल। हेलो, और हमारे भी श्रीमान राम कुमार मराव जी आपका आगमन हुआ है, आपका मंच में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और फिर से जय छत्तीसगढ़ पुलिस। और हमारे भी हमारे ब्लॉक कबड्डी संघ पाली के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री शंकर दीवान जी आपका भी मंच में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आप लोगों को मैं छत्तीसगढ़ी कमेंट्री को लेकर जाना चाहूंगा क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है। और फिर से मनीष उनके अपन बड़े भाई मुकेश उनके कराते कथन दोनों के जर्सी नंबर सात सात रहे कौन भारी पड़ी है ना देखे ना पड़ी, लेकिन फिलहाल मनीष अब भारी पड़े हैं मुकेश के ऊपर, नौ अंक के बढ़त में आए हुए हैं हीरो जर्सी पाली है। और ये 2:43 के समय में कहा गुलवाना टाइगर जेवरा वापसी कर सकते हैं ना देखे ना पड़ी। और टू डायरेक्ट अंक बना पाते बढ़िया खेलते लेकिन देखे पाली में का कर पाते टोटस करके प्रयास नहीं है लेकिन सफलता नहीं मिल पाए। और बोनस करके प्रयास लेकिन देखे पड़ी निर्णय का इशारा थे ¡Vamos!
कुछ तकनीकी खराबी आ गई जो पर क्षमा चाहत हन और फिर चले हमारे बड़े भैया जय धरती बाजार में बिलोंग करते छत्तीसगढ़ पुलिस का सेवा देत हवे राजनांदगांव जिला में। अब देखे पड़ी का है गुरवाना टाइगर जेवरा ला अपन कैसे सेवा दे पाते बहुत बढ़िया प्रदर्शन फिलहाल में रही से और यहाँ बोनस के प्रयास में निखिल करा निखिल ऐसे फिल्डर है जेखर कारण बोनस प्राप्त करे पर बहुत मशक्कत करे ला पड़ते और फिर चार खिलाड़ी के बीच में आए मनीष ये मुकाबला फाइनल कॉल अंतिम कॉल कोरबा किंग्स बनाम जेवडी मोटा पानी जैसे मैच समाप्त हो जाए आप मल्ला आए ला पड़ी कोई समय नहीं दे जाए काबा के मौसम है अपन रंग में रंग चुके हैं और ध्यान में रखे रही है फिलहाल 11 पॉइंट के लीड में हवे हीरो जैसी पाली है देखे ला पड़ी ओकर कोच रेमो भैया राम भैया छोटे काफी संतुष्ट नजर आते हैं अपन खिलाड़ी में जो प्रदर्शन ले और कोई दूसरे छोर में गुरवाना टाइगर जेवरा के खिलाड़ी बन ला अब अंतिम कुछ सेकंड समय थर्ड रेड देखा था और पकड़े के समर्पण के बीच अभी बीच में मैं स्वागत करता हूँ। 27 पॉइंट हमारे बड़े भैया टाइगर्स जेवरा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें।